ओ हेलो देयर, लाइफस्टाइल आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो बन ही गई है। तो हमारी स्किन हेल्थ तो अफेक्ट होगी ना। आपकी एक्सटर्नल हेल्थ अफेक्ट होती है आपकी इंटरनल हेल्थ से। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम बहुत छोटे हैं तब भी हमारी स्किन में रिंकल्स आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका रीजन स्ट्रेस भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि स्ट्रेस हमारी स्किन की एजिंग को कितना तेज कर देता है? हमारी स्किन की यूथफुलनेस मेंटेन करता है कॉलेजन, एंड स्ट्रेस वाला हार्मोन तो हमारी स्किन के कॉलेजन एंड इलास्टिन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए ऐसे तरीके ढूंढे जिससे आप स्ट्रेस करें। म्यूजिक एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपनी लाइफ से स्ट्रेस को बाय बाय बोलने का। इसके अलावा ऐसी चीजें करिए जो आपको बहुत पसंद है। जैसे पर्सनली मैं एनिमल्स के साथ घंटों बिता सकती हूँ। आई मीन हु डजंट लाइक अ फुल टाइम फरी फ्रेंड। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। आई नो स्टडीज एंड काम को बहुत प्रेशर रहता है, बट करने से तो हर चीज पॉसिबल है, इसलिए एक बैलेंस बना के चले। अब नेक्स्ट पॉइंट पे तो जितना एम्फोसाइज करे उतना कम है। आपकी स्किन तभी हाइड्रेटेड दिखेगी जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो, क्योंकि जब आप पानी कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी के सेल्स हाइड्रेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज हमारी बॉडी 60 to 70% पानी से बनी है, तो पानी की इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही रहे होंगे। पानी हमारे गट्स को साफ रखता है, एंड साफ गट्स का मतलब है क्लियर स्किन। इनफैक्ट पानी तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट करता है। एंड अगर हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो मैं बता दूं कि डिहाइड्रेशन से हमारी स्किन के बैरियर को डैमेज पहुंचता है। बिग फन फैक्ट बताऊं, पानी सबसे इनएक्सपेंसिव सोल्यूशन है फॉर स्किन इश्यूज। तो मेक श्योर कि 3 से 4 लीटर पानी आप डेफिनेटली पिए। व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड पॉइंट, व्हिच इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का स्किन से क्या कनेक्शन है? वेल, क्या कभी आपने एथलीट्स को नोटिस करा है? तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उनकी स्किन कितनी क्लियर रहती है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में हेल्दी सर्कुलेशन रहेगी, एंड हेल्दी सर्कुलेशन का मतलब है आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। एक्सरसाइज करने से हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, एंड स्ट्रेस हमारा दुश्मन है। पूरे दिन के बिजी स्केड्यूल में से 1 से 2 घंटे अपनी एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। वेल, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप हिट वर्कआउट्स ही करें, आप योगा भी कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप एक्टिव हैं। क्या हमारी बॉडी को सच में कोलेजन सप्लीमेंट्स की जरूरत है? मुझे तो लगता है ये हाइप्ड कॉन्सेप्ट है। वेल, क्या ये रियली हाइप्ड कॉन्सेप्ट है? अब कोलेजन को इंक्लूड करना ना करना आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, स्किन का एज करना इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि एज के साथ होगा ही। मिड 20s के बाद हर साल कोलेजन में 1% डिक्रीज होता है, एंड इसीलिए डॉक्टर्स ने कोलेजन सप्लीमेंट्स को फॉर्मुलेट किया है। एंड अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग कोलेजन सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो मैं अपने कोलेजन सप्लीमेंट्स को लेके बहुत स्पेसिफिक हूँ, एंड मुझे कुछ स्पेसिफिक कोलेजन सप्लीमेंट्स ही पसंद है। एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स इज कपीवा का स्किन फूड्स ग्लो मिक्स पाउडर। आई टेल यू कि मुझे ये क्यों पसंद है। सबसे पहले इसमें नास्टी केमिकल्स नहीं है। इनफैक्ट ये 100% आयुर्वेदिक ड्रिंक है। इसमें विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड है, जो की आपको डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को इंटरनली ठीक करने में हेल्प करेंगे। अपनी बात करूँ तो मेरी पिगमेंटेशन को लाइटन अप करने में इस प्रोडक्ट ने मुझे बहुत हेल्प करी। कपीवा ऑल्सो क्लेम्स कि इस प्रोडक्ट को 1 से 2 महीने यूज करने के बाद आपको स्किन में विजिबल चेंजेस दिखेंगे। ओवरऑल एक अच्छा एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट है जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। जितना इम्पोर्टेंट कोलेजन है उतना ही इम्पोर्टेंट है अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विटामिन एंड मिनरल्स का रिच सोर्स है। वेल, देयर इज अ रीजन व्हाई हमारी मदर्स हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करने के लिए कहते हैं। इन्हें सुपर फूड्स कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन तो है ही, बट इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो मेक श्योर क्यूकम्बर, स्पिनच, ब्रोकली, कैबेज और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छी स्किन के साथ साथ आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी लो रखेगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफिकली फॉर समर्स है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी आपको हाइड्रेशन देगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर, वाटरमेलन, ऑरेंज, स्पिनच, ब्रोकली, ये सभी आपको समर्स में हाइड्रेटेड रखेंगे। एंड हाइड्रेटेड बॉडी का मतलब है हाइड्रेटेड स्किन। प्लस आपको स्वीट की क्रेविंग भी कम होगी। अब फ्रूट को जूस बना के नहीं, फ्रूट्स को फ्रूट्स की तरह ही खाइए। आपको खूब सारा फाइबर भी मिलेगा। प्लस बहुत सारे फ्रूट्स विटामिन सी में रिच होते हैं। विटामिन सी के बेनिफिट्स तो अब सभी को पता है। एक चीज जो सेलिब्रिटीज से लेके डॉक्टर्स तक अवॉइड करते हैं, एंड वो है हाई अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। हाई अमाउंट्स ऑफ शुगर सीधा डैमेज करते हैं हमारे कोलेजन को, एंड बहुत सारा सॉल्ट पफीनेस कॉज करता है। एंड इसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है नट्स। आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताचियोज। कोई मुझसे मेरा फेवरेट स्नैक पूछे तो वो वॉलनट्स हैं। वॉलनट्स मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, बट इसके साथ साथ इसमें हाई अमाउंट्स ऑफ ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हैं। तो जब भी मुझे क्रेविंग्स होती है तो मैं एक बोल में हैंडफुल नट्स को लेके उन्हें मंच कर लेती हूँ। खाने को खाने से बेनिफिट्स भी मिलेंगे। हमारी स्किन को मेनली डैमेज पहुँचता है सन एक्सपोजर से, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि डायरेक्ट सनलाइट से बचें। अम्ब्रेला, स्कार्फ, SPF डेफिनेटली यूज करें। स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। एक बेसिक स्किन केयर स्टार्ट होता है 3 स्टेप से, एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड एक SPF। ये आपकी बेसिक स्किन केयर किट में होना ही चाहिए। अगर आपको स्किन की कोई कंसर्न्स है, उस पर्टिकुलर कंसर्न को ट्रीट करने के लिए आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। स्किन केयर का बेसिक और सबसे पहला स्टेप होता है अपनी स्किन को क्लीन रखने का, एंड इसीलिए आप फेस वॉश यूज कर सकते हैं। माइल्ड क्लेंजर फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स एंड जेंटल क्लेंजर फॉर ड्राई स्किन टाइप्स। उसके बाद आपको चाहिए एक मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर से आपकी स्किन स्मूथ और सटल रहेगी, एंड उसके बाद आप स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके लिए आप यूज करेंगे सनस्क्रीन। नेवर एवर मिस योर सनस्क्रीन गाइज। एंड जितना इम्पोर्टेंट है एक सही सनस्क्रीन यूज करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है रीएप्लीकेशन। सुपर सिंपल ना? ये स्किन केयर टिप लोगों को लगता है कि बहुत यूजफुल है, बट एक्चुअली ये आपकी स्किन को डैमेज करता है, एंड वो है स्किन को बहुत ज्यादा एक्सफोलिएट करना। इन फेस स्क्रब्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉलनट ग्रैन्यूल्स, एंड ये हमारी स्किन को बहुत डैमेज करते हैं। खुद ही देखिए, अगर ये आपके हाथों को इरिटेट कर सकते हैं, तो इसके फाइन ग्रैन्यूल्स आपके फेस को भी इरिटेट कर सकते हैं, एंड बेसिकली स्किन के बैरियर को डैमेज कर सकते हैं। सो मंथ में एक बार एक जेंटल एक्सफोलिएटर यूज करें। अनदर स्किन केयर टिप जो कि मैंने कॉलेज में बहुत इग्नोर करी, सोने से पहले ऑलवेज टेक ऑफ योर मेकअप। मेकअप नहीं भी लगाते तो फेस वॉश डेफिनेटली करें। पूरे दिन की डर्ट एंड गंक हमारी फेस पे अक्यूमुलेट हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमारी स्किन में एक्ने, पिंपल, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए आप एक जेंटल माइसेलर वाटर यूज कर सकते हैं। अगर आपने हैवी मेकअप लगाया है तो आप डबल क्लेंजिंग भी कर सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन के सेल्स रिन्यू होते हैं, एंड अगर हमारी स्किन गंदी रहेगी तो हमारे पोर्स क्लॉग्ड रहेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे स्किन के सेल्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हमारी स्किन में ब्रेकआउट्स हो जाएंगे। ये तो किसी को भी नहीं चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम बहुत ही लेट सोते हैं, बट लेट नाइट सोना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए खराब है। जल्दी सोने से आपका स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक रहेगा। अर्ली सोने के बहुत बेनिफिट्स हैं। थ्रू आउट द डे आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। एडिक्वेट स्लीप लेने से आपकी एंजाइटी एंड डिप्रेशन कम होता है। आप ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव फील करते हैं। सो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी सोएं। अब अगर आप जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी भी तो उठेंगे। हेल्दी माइंड, स्किन एंड बॉडी के लिए अर्ली मॉर्निंग की फ्रेश एयर से अच्छा कुछ नहीं। माई लास्ट टिप वुड बी लिमिट योर स्क्रीन टाइम। यस, हमारी स्क्रीन से आने वाली लाइट हमारी स्किन को बहुत डैमेज करती है। प्रॉब्लम्स लाइक डार्क सर्कल्स, अंडर आई रिंकल्स, पुअर विजन, ये सब रिजल्ट है स्क्रीन टाइम का। ये टिप थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्योंकि हम सभी सोने से पहले अपना फोन डेफिनेटली चेक करते ही हैं, बट अगर आप इसे लिमिट कर सकते हैं तो ये आपकी स्किन एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आई होप आप इनमें से कुछ स्किन केयर टिप्स को डेफिनेटली फॉलो करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।